सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका शाहरुख DTH पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिग्नल की क्वालिटी होती है वो दोनों में 0-0 क्यों हो जाती है। अब आप देख सकते हैं खुद सिग्नल की इंटेंसिटी 0% और सिग्नल की क्वालिटी वो भी 0%। ठीक है, आप LNB फ्रिक्वेंसी, ट्रांस फ्रिक्वेंसी सब देख सकते हैं। सबके अंदर ट्रांस फ्रिक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेट है, लेकिन फिर भी जो सिग्नल की क्वालिटी है वो 0 क्यों आती हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं तो फिर दोस्तों आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। काफ़ी सारे कमेंट करते हैं, जो भी हम वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं उसके बारे में जो भी जानकारी होती हैं वो हम एकदम सही से देखते हैं, लेकिन जो वीडियो कंप्लीट नहीं देख पाते हैं उनको ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कमेंट करके हमें पूछते हैं कि जो सिग्नल है वो अभी भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो गाइस वीडियो के जो माध्यम से बताया जाता है दोस्तों, वो हो सकता है वो जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपको ठीक हो जाए, अन्यथा दोस्तों जो भी प्रॉब्लम होती है अलग अलग प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो भी आपको मेथड बताया जाता है उससे आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 100% हर किसी के साथ में ऐसी बीमारी आती रहती हैं जो कि दोस्तों सिग्नल को लेकर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हम किसी भी चैनल को चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी चैनल पर जाकर चेक कर लेना अपने, अगर DD-FreeDish पर जो भी सिग्नल की क्वालिटी है वो 0% आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो मेथड बता रहा हूँ उसको देख कर आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप किसी भी चैनल को देख लेना, और उसके बाद में देखने के बाद आप जब सिग्नल की क्वालिटी निकालते हैं ये सिग्नल वाला बटन दबाते हैं। अगर आपका सिग्नल वाला बटन नहीं दब रहा है तो आप मेनू बटन को दबाना, उसके बाद में इंफॉर्मेशन पर चले जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको चेक कर लेना कि आपकी जो सिग्नल है वो क्वालिटी कितनी आ रही है दोनों में। ठीक है, अगर आपकी इंटेंसिटी कुछ आ रही है और सिग्नल की क्वालिटी 5% आ रही है तो दोस्तों उसके लिए अलग मेथड रहेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल जो 0-0 आ रही है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सेटिंग्स को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको सिग्नल की क्वालिटी निकाल लेना है, सिग्नल निकाल लेना। ठीक है, ये वाला फंक्शन आपको किसी भी चैनल पर निकाल लेना है। अब इस आपको एक बात ध्यान रखना है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी क्वालिटी 0% हो जाए तो सबसे पहले आपको अपने जो वायर आता है छतरी से लेकर डिश एंटीना से लेकर जो सेट टॉप बॉक्स के पीछे कनेक्ट होते हैं उसके जो आगे कनेक्टर लगे हुए होते हैं उनको आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके अंदर जो तार लगे हुए हैं वो टूट गए हो या फिर वो कनेक्टर से आउट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहली बात वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वो बाहर निकल जाते हैं तो उसको आपको सही से कस लेना है, उससे भी दोस्तों आपके जो सिग्नल की क्वालिटी वो वापस से आ जाएगी। ठीक है, अब आपने जब चेक कर लिया उसके बाद में भी नहीं आ रहा है तो सिंपल सा आपको मेनू बटन दबाना है। ठीक है, मेनू बटन दबाने के बाद आपको चले जाना है सबसे नीचे सिस्टम सेटअप पर। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इंटरफेस इस प्रकार से आ जाएगा। आपको जाना है सैटेलाइट गाइड पर। ठीक है, तो अब जो सैटेलाइट गाइड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर वो आप डालेंगे तो अगर आपके सिग्नल की क्वालिटी अगर मिस्टेक है तो वो 100% यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल है, लॉन्ग ट्यूड है, यहाँ पर लोकल टेड लेटीट्यूड है और सैटेलाइट लॉन्ग ट्यूड है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर तीनों में डालना है 0-20। ठीक है, यहाँ पर आपको 0 कर देना है, फिर आपको यहाँ 2-0 कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है लोकल लेटीट्यूड में, यहाँ पर आपको कर देना 10। सॉरी दोस्तों, पीछे का बटन दब गया, वापस से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 कर दिया हमने, उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे है वो कर देना आपको 10। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर सैटेलाइट है, लॉन्ग ट्यूड है, यहाँ पर आपको डाल देना 100, यानी 100 डाल देना। ठीक है, यहाँ पर 100 डालने के बाद 0.00 का कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, ये डालने के बाद आपको नीचे कंफर्म पर आना है, और यहाँ पर जैसे ही आप कंफर्म करेंगे अगर आपके सिग्नल सही होंगे तो आपके यहाँ पर जो नीचे ओरिएंटेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है और एलिवेंशन है दोनों में यहाँ पे 91 आ चुके हैं,
और 75 आ चुके हैं। ठीक है, जैसे ही हमने कंफर्म किया यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब हम पीछे चलते हैं, यहाँ पर चैनल भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चैनल स्टार्ट हो गए। अब हम सिग्नल चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिग्नल है वो ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हिले डुले थे। ठीक है, यहाँ पर जो सेट बॉक्स होता है उसके अंदर भी मिस्टेक हो जाती है। तो अब आप किसी भी चैनल को देख सकते हैं, सभी के सभी सिग्नल से भर गए हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं आपको एक बात और बता दूँ, हर किसी के सेम प्रॉब्लम नहीं होती हैं। अगर आपके कुछ और प्रॉब्लम हो भी सकती हैं तो भी ये मेथड आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये करने के बाद में 100% ठीक कर पाओगे। हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम होगी तो 100% यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी बहुत ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो चले गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।